आज हम लोग मैथ्स में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस को हिंदी में रैखिक समीकरण बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण पे क्वेश्चंस देखेंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण पे भी क्वेश्चन देखेंगे और इसको ग्राफ पे भी शो करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन ये है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें ये देखेंगे कि सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल में इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, किस फॉर्म में एक्सप्रेस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब इसमें ये क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ए और बी क्या हो गया हमारा, रियल नंबर हो गया। ए और बी जो रियल नंबर है, एग्जाम्पल 3x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अगर इसमें ये कह दे कि x की वैल्यू निकालने के लिए, सबसे पहले अगर इसमें ये कहे कि x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3x इक्वल टू ये x 6 हमारा कहाँ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। जब ये 6 प्लस में है और ये 6 जब जो है ना इक्वल के इस साइड उठा करके लेकर के आएंगे, तो ये इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। थ्री टू जा 6, एक्स स्क्वायर टू कितना हो गया, माइनस टू। ये हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू कितना आया, माइनस टू। यहां पे अगर ए एक्स प्लस बी है, कौन सा फॉर्म है हमारा, ये इसको याद रखना है जो एक चर वाले। और इसमें ऐसा क्यों कहा गया कि ये एक चर वाला ही रैखिक समीकरण है, ये जो चर है, चर को क्या कहेंगे, बताए थे कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या कहेंगे हिंदी में, अचर। और वेरिएबल, चर। तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, वन टू ये सब क्या हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स वाई जेड वेरिएबल है, चर है। तो इसमें ये कहा गया कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या कहा गया, एक चर वाले है ना, ये क्या हमारा एक चर वाला है। तो जब एक चर बोला गया तो इसमें एक ही चर है, इसमें क्या है, एक ही चर है, एक्स ही दिख रहा है इसमें, और कोई दूसरा चर है इसमें नहीं है, एक्स है ना, इसमें क्या है, एक्स है, कोई दूसरा है, कोई दूसरा चर तो नहीं है, तो सिर्फ एक्स है इसमें, क्या है इसमें, सिर्फ एक्स है। अगर वाई रहता तो दो चर हो जाता, जेड रहता तीन चर हो जाता, लेकिन इसमें क्या है, एक ही चर है, इसमें क्या है, एक ही चर है। एक चर में मतलब क्या है, सिर्फ एक्स है, सिर्फ एक्स। तो अगर अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि ए की वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू
तो क्या बोलेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 3। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। बी का वैल्यू अगर बोला गया, बी का वैल्यू अगर बोला जाए कि बी का वैल्यू कितना है, तो क्या कहेंगे, बी का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू 6 है। अगर यहीं पे -3x-6 हो, यहां पे क्या है 3x-6=0, यहां पे अगर x की पहले x की वैल्यू निकालते हैं 3x-6=0, 3x=6, x=6/3, क्या आ गया 2 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आया 2, यहां पे x का वैल्यू है, जब माइनस ये 6 माइनस में है, जब इक्वल के इस साइड उठा करके लेकर गए, साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, LHS और RHS में जब कन्वर्ट करेंगे तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां पे अगर a की वैल्यू पूछा जाए, अगर a का वैल्यू पूछा, अगर इसमें a का वैल्यू पूछा कि a की वैल्यू कितना होगा, तो क्या कहेंगे 3 और b का -6, b का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें -6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, x प्लस 2x+8=44, 3x+8=44, 3x8-44=0, 3x ये माइनस, ये ax + b के फॉर्म में आ गया, ये हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया।